हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और एक आवश्यक सूचना, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका काम काज के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1995 में निगमित किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था। यह संगठित उद्योग में 14% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ होजरी व्यवसाय में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरा है। यह भारत में सबसे बड़ा मध्य खंड होजरी उद्यम है। ग्राहकों की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास 16 ब्रांडों में 100 से अधिक उत्पाद हैं। कंपनी के उत्पाद पूरे भारत में फैले 4,50,000 खुदरा विक्रेता यानी कि खुदरा केंद्रों पर उपलब्ध है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं खुदरा विक्रेता है 4,50,000। तो चलते हैं दोस्तों इसके डाटा पे, जो कि इम्पोर्टेंट है देखना। इस प्रकार है, मार्केट कैप 4,539 करोड़, करेंट प्राइस 1,512 रुपया, 52 वीक का हाई लो 1,922 रुपया हाई है और 1,111 रुपया लो है। स्टॉक पी 40 का है। बुक वैल्यू 487 रुपया। डिविडेंड यील्ड 0.33%। ROC 13.2%। ROE 10.6%। फेस वैल्यू 2 रुपया। तो अपने बुक वैल्यू से ये लगभग 3 गुना से ऊपर पर ट्रेड कर रही है। वन ईयर का अगर चार्ट देखते हैं तो इस प्रकार है, जो कि मेरे आइडिया अनुसार हो सकता है ये 1500 को टच करे और फिर से वो ऊपर में, यानी कि ऊपर के लेवल की तरफ मूव करे। नेक्स्ट डे फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें अपने सूझबूझ के अनुसार ही। प्रोज एक बता रहा है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कि डेब्ट को कम कर रही है कंपनी, और कौन कुछ भी नहीं है, पीयर कंपैरिजन। इस प्रकार है, 6 है जिसमें कि मफतलाल इंडस्ट्रीज, रूबी मिल्स, लॉयल टेक्सटाइल, लक्ष्मी मिल्स, JCT। इसमें ये लक्स इंडस्ट्रीज का PE 39.97 है, लगभग 40। लेकिन ROCE भी सबसे बेटर है इसका, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बोलते हैं। जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट इस प्रकार है, 521 करोड़ का सेल्स, एक्सपेंस 487 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34 करोड़, अदर इनकम 2 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का था, इंटरेस्ट 5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में भी 5 करोड़ ही इंटरेस्ट पेड की है, डिप्रिसिएशन पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का, इस क्वार्टर में 6 करोड़ का हो गया, कोई बात नहीं 1 करोड़ अधिक हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बहुत घट गया है, कारण सेल्स ही घट गया है। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का था, और EPS पिछले क्वार्टर में 10.86 रुपया था, जो कि इस बार 6.09 रुपया है,
जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है TTM लास्ट 12 मंथ 2325 करोड़ का सेल्स, एक्सपेंस 2146 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 178 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर से घटा हुआ है, अदर इनकम 18 करोड़, इंटरेस्ट 22 करोड़, डिप्रिसिएशन 20 करोड़, नेट प्रॉफिट 114 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत घटा है, EPS 37.76 रुपया, पिछले क्वार्टर में 48.80 रुपया था। बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास रिजर्व अच्छा खासा है जो कि 1457 करोड़ का, शेयर कैपिटल 6 करोड़ का, ब्रोइंग 231 करोड़ का नाम मात्र का है, तो ये कभी भी ब्रोइंग यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी बन सकता है आराम से, इसके पास रिजर्व बहुत है ब्रोइंग की अपेक्षा। इन्वेस्टमेंट 104 करोड़ यानी कि पिछले साल के अपेक्षा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और टोटल एसेट जो है 2085 करोड़ का हो चुका है जो कि पिछले साल 1972 करोड़, उससे पिछले साल 1466 करोड़ था। कैश फ्लो माइनस में है, कोई बात नहीं दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है, प्रमोटर के पास में 74.19%, अच्छी खासी लेवल में है प्रमोटर। FIIs के पास में 2.18%, DIIs के पास में 8.96%। FIIs और DIIs, FIIs तो पिछले क्वार्टर के अपेक्षा बढ़ाया है लेकिन DIIs घटाया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर DIIs का मतलब, और FIIs का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि विदेशी इन्वेस्टर। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 88,239, यानी कि ये शेयर कितने आदमियों के पास में है, तो 88,239 के पास में है टोटल शेयर इसका। 8 सितंबर को न्यूज पब्लिकेशन रिगार्डिंग 28th एनुअल जनरल मीटिंग, यही न्यूज था जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और कुछ खास तो है नहीं अभी दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से। और ये अभी शेयर कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा अप एंड डाउन जाएगा नहीं, 100-200 अप एंड डाउन हो सकता है मेरे आइडिया अनुसार, बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही। धन्यवाद दोस्तों।